हेलो स्टूडेंट कैसे हो आप सभी आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे हो और स्वस्थ हो तो डियर स्टूडेंट आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं स्टेटिक्स यूनिट सेवन जो कि ये पार्ट फाइव होगा आज सिक्सटीन पॉइंट टू का एक्सरसाइज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हम लोग प्रॉब्लम नंबर वन और प्रॉब्लम नंबर टू डिस्कस कर चुके हैं इस वीडियो के अंदर में हम लोग देखने वाले हैं प्रॉब्लम नंबर थ्री तो स्टार्ट हो जाओ प्रॉब्लम नंबर थ्री को समझने के लिए उसको पढ़ने के लिए तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को डियर स्टूडेंट कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन है आप किसी भी माध्यम के स्टूडेंट है आपको कंप्लीट समझ में आने वाला है आप चाहे हिंदी माध्यम के हो चाहे आप इंग्लिश माध्यम के हो चाहे आप आत्मानंद स्कूल के हो या फिर किसी भी छत्तीसगढ़ बोर्ड से एफिलिएटेड कोई भी आप माध्यम के किसी भी माध्यम के विद्यार्थी हो ओके डाटा हैंडलिंग और एनालिसिस इस चैप्टर में हम लोग कवर कर रहे हैं जो कि आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉब्लम नंबर थ्री ये आपका Uh, मुझे लगता है कि डाटा हैंडलिंग और एनालिसिस दैट मीन्स कि ये जो एस्टेटिक जो चैप्टर है ये इसका uh, ये इस चैप्टर में इस चैप्टर में हम लोगों ने लगभग अभी तक uh, टोटल फोर पार्ट कवर कर चुके हैं ये आपका कौन सा पार्ट है ये आपका पार्ट नंबर फाइव है डियर स्टूडेंट आपको यदि यदि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आपके दिमाग से बाहर जा रहा है तो पार्ट वन से आप देखते हुए आइए पार्ट वन देखो पार्ट टू देखो पार्ट थ्री देखो पार्ट फोर देखो उसके बाद इस चैप्टर के अंदर में इस एक्सरसाइज के अंदर में आपको इन्वॉल्व होना है ओके तो डियर एर स्टूडेंट शुरू करते हैं आज इस प्रॉब्लम से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं राइट तो देखते हैं इस प्रॉब्लम से क्या हमें आ, क्या हमें कह रहा है क्या चीज़ करवाना चाह रहा है ये प्रॉब्लम ओके चलो तो डियर स्टूडेंट थर्ड प्रॉब्लम है कह रहा है कि द लेंथ ऑफ थर्टी लिप्स कह रहा है कि थर्टी लिप्स है यानी कि पत्तियां हैं है, है ना उनकी लंबाई जो है ऑफ अ प्लांट एक प्लांट का जो थर्टी लिप्स है उसकी लंबाई है इज गिवन मिलीमीटर जो दे रखा है मिलीमीटर में दे रखा है बिलो नीचे में तो लेंथ ऑफ लिप्स है ना पत्तियों की लंबाई दे रखा है वन से वन यानी कि 111 से 120 के बीच में लगभग तीन ऐसे पत्तियां हैं थ्री ऐसे पत्तियां हैं नंबर ऑफ लिप्स दे रखा है तीन ऐसी पत्तियां हैं जो 111 से 120 हंड्रेड एम mm, एम एम यानी कि मिलीमीटर के अंदर में आता है अगली जो यहाँ पे दे रखा है कि फाइव ऐसी पत्तियाँ हैं फाइव ऐसी पत्तियाँ हैं जो 120 से 130 के बीच में हैं क्लियर है आगे सेवन नंबर ये सेवन ऐसी पत्तियाँ हैं जो 131 से 140 के दोनों के दोनों इन दोनों के बीच में आती हैं क्लियर है ठीक है थीके? अब चलो ये बात तो समझ में आ गई कि सर ये ये दिया हुआ है ये हमारे पास में फ्रीक्वेंसी ये डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे रखा है और वो भी कौन सा ये कैसा टेबल दे रखा है ये टेबल दे रखा है हमारा कैसा ये दे रखा है टेबल हमारा इंक्लूसिव क्लास का कौन से क्लास का इंक्लूसिव क्लास को ठीक है तो इंक्लूसिव क्लास में क्या होता है कि ये जहाँ से वन हंड्रेड एलेवन टू वन हंड्रेड ट्वेंटी यहाँ है तो अगला जो ये क्लास स्टार्ट होता है ये वाली जो क्लास स्टार्ट होती है ये कैसे किस तरह से स्टार्ट होती है यहाँ पर वन हंड्रेड ट्वेंटी यहाँ क्या चलता वन हंड्रेड ट्वेंटी टू वन हंड्रेड थर्टी ऐसे चलता है ये क्लियर है लेकिन ये वन ट्वेंटी पे एंड हुआ है तो ये वन ट्वेंटी वन से स्टार्ट हुआ है तो ऐसा जब भी क्लास हम लोग देखते हैं तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है पहले इसको एक्सक्लूसिव में बदलना पड़ता है ठीक है इनकलूसि ये वर्तमान में अभी प्रेजेंट में क्या है ये इनक्लूसिव है ठीक है ये क्या है इंक्लूसिव क्लास में है ये किस क्लास में इंक्लूसिव क्लास में ठीक है और हमें इसको किस में चेंज कर देना है एक्सक्लूसिव में अब उससे पहले एक्सक्लूसिव में चेंज करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि क्या क्या हमसे पूछा जा रहा है पहला मेक अ हिस्टोग्राम आप एक हिस्टोग्राम बनाओ टू डिपिक्ट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिस जो क्या हो ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा दिया हुआ है वो क्या कर सके उसको प्रदर्शित कर सके क्लियर है तो कह रहे हैं कि मेक द क्लास इंटरवल कंटिन्यूस सबसे पहले आपको क्या करना है जो क्लास इंटरवल है उसको कंटिन्यूस आपको करना पड़ेगा क्लियर है तो ये बिल्कुल ज़रूरी है क्योंकि क्लास इंटरवल बिल्कुल बिखरा हुआ है वन हंड्रेड एलेवन है तो अगला स्टार्ट हो रहा है वन 130 तो ये 120 और वन ये हमारा ये भी अगर स्टार्ट होता 120 से तो हमारा ये क्या होता ये आ, ये, ये क्या होता आ, आ, इस, ये एक्सक्लूसिव में रहता क्लियर है हमें इसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती लेकिन हमें हिस्टोग्राम बनाने के लिए इस तरह का प्रॉब्लम दे कि हिस्टोग्राम बनाओ या दूसरा नंबर प्रॉब्लम दे रखा है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आपको बनाना है मेक अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन यूजिंग द डायरेक्ट मेथड डायरेक्ट मेथड यूज करके फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है और ये सब काम आपको ग्राफ में करना है थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इन विच क्लास नंबर ऑफ लिप्स इज़ द लार्जेस्ट कौन सा ऐसा क्लास है जहाँ पे जो पत्तियाँ हैं वो सबसे लार्जेस्ट है यानी कि सबसे ज़्यादा है क्लियर है कौन से क्लास में ठीक है तो चलो ये सब तो हमें पता चलेगा कब जब हमारे पास में कंप्लीट एक ग्राफ के ऊपर में बन करके आ जाएगा तब पता चलेगा क्लियर है तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले ये ये कौन से क्लास में है हमारा ये है हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन टेबल टेबल इसको बोलो या फिर फ्रिक्वेंसी टेबल बोलो ये जो टेबल हमारे पास में है ये कैसा है कौन सी क्लास में है ये है इंक्लूसिव क्लास में इसको हमें चेंज करना है किसमें एक्सक्लूसिव में एक्सक्लूसिव में. में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा हम लोग को यहाँ पे मैंने क्या किया है ये प्रॉब्लम नंबर थ्री ही है है ना ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम नंबर मैंने आ, कुछ अलग चूज़ कर लिया है ऐसा नहीं है प्रॉब्लम नंबर थ्री है बस ये जो तीन प्रॉब्लम यहाँ पे जो लिखे हुए हैं इसको मैंने हटा दिए हैं क्लियर है यहाँ पे मैंने केवल ऊपर वाले जो हमारा फ्रिकवेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है मैंने उसको केवल यहाँ पर रखा हुआ है ताकि मैं अच्छे से क्या कर पाऊँ यहाँ पर बना पाऊँ ठीक है एक एक्सक्लूसिव क्लास ये वर्तमान में वर, आ, वर्तमान में कौन से क्लास में है इंक्लूसिव इंक्लूसिव में है और हमें क्यों बनाना है एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव ये बनाना है ताकि मुझे हिस्टोग्राम अगर बनाना है क्योंकि पहला क्वेश्चन हिस्टोग्राम बोल रहा था दूसरा क्वेश्चन बोल रहा था फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन तो हिस्टोग्राम पॉली फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन ये तभी बना सकते हैं जब हमारा ये जो जो ये फ्रीकवेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये जो दे रखा है टेबल ये कौन सी क्लास में हो एक्सक्लूसिव ई एक्स सी एल यू आई बी ई ना, -E, है ना एक्सक्लूसिव एसआईवीई है ना एक्सक्लूसिव क्लास में हो ठीक है तो एक्सक्लूसिव क्लास में बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं यहाँ पे लिख देते हैं लेंथ ऑफ इसका टेबल बना लेते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं लेंथ ऑफ लीव्स ठीक है लेंथ ऑफ लीव्स ठीक है और ये किस में है इन एमएम mm में किस में इन एमएम ठीक है ये कॉलम मैं बनाते जा रहा हूं फटाफट से ठीक है और अगला मैं यहां पर लिख देता हूं जैसे इसको लिखा गया है नंबर ऑफ क्या लिखा हुआ है नंबर ऑफ लिप्स ठीक है नंबर ऑफ लिब्स इसी को हम लोग बोलेंगे फ्रीक्वेंसी इसी को क्या बोलेंगे फ्रीक्वेंसी बोलेंगे फ्रीक्वेंसी ठीक है और एक और क्योंकि हमें बोला गया है क्या बोला गया है कि आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगोन बनाना है क्या बनाना है पॉलीगोन तो पॉलीगोन बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ जाता है किस चीज का मिड वैल्यू का किसका मिड पॉइंट का बोलो या मिड वैल्यू बोलो या उसको आ, इसको एक और नाम दिया गया है जिसको बोलो क्लास मार्क बोलो ठीक है क्लास मार्क है ना मिड पॉइंट बोलो मिड वैल्यू बोलो या क्लास मार्क बोलो और लिख देता हूँ और या फिर इसी को बोला गया है क्लास मार्क ठीक है क्लास मार्क मैं ये क्लास मार्क क्यों यहाँ पर इसका बना रहा हूँ कॉलम इसलिए ताकि हमें क्या हो जाए हमारे पास में एक बहुत बढ़िया सा क्योंकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगोन हमें बनाना है वो भी कौन से मेथड से हमें बनाना है कौन से मेथड से डायरेक्ट मेथड से हमारा प्रॉब्लम कह ही रहा है कि डायरेक्ट मेथड से हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगोन बनाना है तो देखो मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ क्या पहला नंबर प्रॉब्लम क्या है मेक अ मेक अ हिस्टोग्राम ये समझ में आया अगला क्या मेक अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगोन तो पॉलीगोन बनाने के लिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगोन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा और भी कौन से मेथड से डायरेक्ट मेथड से ठीक है कौन से मेथड से डायरेक्ट मेथड से ठीक है और तीसरा नंबर कह रहा है कि इन विच क्लास नंबर ऑफ लिप तीसरा नंबर तो वो कह रहा है कि कौन सा ऐसा क्लास है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लिप्स जो है शामिल है क्लियर है क्लियर है लार्जेस्ट कौन सा ऐसा क्लास है जिसमें पतियों पत्तियां जो है वो सबसे ज़्यादा लंबी लंबी है लार्जेस्ट है ठीक है चलो तो ये सब हम लोग बना लेते हैं तो चलो फटाफट से सबसे पहले इनक्लूसिव में पहले एक्सक्लूसिव क्लास यहाँ पे बना बना लेते हैं ये हम लोग बना रहे हैं फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और कौन सा क्लास इसका बना रहे हैं एक्सक्लूसिव एक्स सी एल यू एस आई वी ई एक्सक्लूसिव क्लास याद रहे जब भी आपको प्रॉब्लम दे तो सबसे पहले आपको देख लेना है कि ये इंक्लूसिव में दे रखा है या एक्सक्लूसिव में दे रखा है या इंक्लूसिव में दे रखा है मैं अपने आप को लेकर चलता हूँ ऊपर इतनी जल्दी तो ऊपर नहीं जाऊँगा है ना चलो यहाँ पे <laughs> चलो यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं देखो 111 से स्टार्ट है और ये कहाँ तक गया है 120 तक क्लियर है तो हमें क्या करना रहता है हमें क्या करना रहता है बहुत ध्यान से समझना ये वन ट्वेंटी वन जो लिखा है ठीक है ये, ये इसको ये जो ये जो है ये फर्स्ट क्लास है और ये जो सेकंड वाला जो बना ये सेकंड में आया ये सेकंड क्लास इस पूरे को क्या बोलेंगे सेकंड क्लास इसको क्या बोलेंगे फर्स्ट क्लास अब देखो फर्स्ट क्लास का जो ये लोअर लिमिट सॉरी अपर लिमिट है और सेकंड क्लास का ये क्या है हमारा ये सेकंड क्लास का क्या है लोअर लिमिट देखो फर्स्ट क्लास का ये इसको लोअर लिमिट बोलते हैं इसको अपर लिमिट बोलते हैं तो ये फर्स्ट क्लास में है ये कौन सी क्लास में है फर्स्ट क्लास में फर्स्ट क्लास में ये क्या है हमारा अपर लिमिट क्या है अपर लिमिट और ये सेकंड क्लास में ये वन ट्वेंटी वन क्या है हमारा लोअर लिमिट इतनी बातें समझ में आई ठीक है अब ल, अब जो सेकेंड क्लास के लोअर लिमिट में से फर्स्ट क्लास का अपर लिमिट को घटा दिया जाए यानी कि 121 में से 120 को जब आप घटा देते हो तो क्या जाता है एक में से वो 120 चला गया तो क्या आएगा वन आएगा 121 में से 120 चला गया तो क्या आएगा वन अब जो ये डिफरेंस आता है जो ये डिफरेंस आता है उस डिफरेंस को हम लोग टू से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है जीरो अब इसी 0.5 को हम लोग क्या करते हैं जो 111 है इसमें से घटाते हैं ये ठीक है याद रहे पहला वाला क्लास में से या फिर यानी कि जितने भी लोअर लिमिट है अब जितने भी क्लास है फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास थर्ड क्लास फोर्थ क्लास फाइव क्लास सिक्स क्लास टोटल इसमें सिक्स क्लास दिया हुआ है ठीक है अब जितने भी लोअर लिमिट है ये लोअर लिमिट है ये इसका लोअर लिमिट है ये इस क्लास का लोअर लिमिट है ये 141 इस क्लास का लोअर लिमिट है 151 इस क्लास का लोअर लिमिट है 161 इस क्लास का लोअर लिमिट है ना ये अपर लिमिट ये अपर लिमिट ये अपर लिमिट ये, ये, ये 150 अपर लिमिट 160 सिक्सटी अपर लिमिट वन अपर लिमिट है क्लियर है तो जितना भी लोअर लिमिट है है ना तो यहाँ पे लिख देता हूँ लोअर है ना लोअर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कर देते हैं जीरो पॉइंट फाइव को और ये ज़ीरो पॉइंट फाइव कहाँ से आया मैंने वन ट्वेंटी वन में से वन ट्वेंटी को यानी कि दूसरे किसी भी दूसरे क्लास का उसके लोअर लिमिट को किसी दू, किसी आन, उसके पहले वाले क्लास के के हायर लिमिट में से घटा देते हैं तो हमारा ये क्या जाता है जो डिफरेंस आएगा उसको टू से डिवाइड कर देते हैं और जो हमारा ये दशमलव में आता है उसी को हम लोग क्या कर देते हैं घटा देते हैं तो लोअर लिमिट माइनस मैंने किया है ये क्या है माइनस घटाया है लोअर लिमिट माइनस जीरो पॉइंट फाइव और अपर क्या अपर लिमिट अपर लिमिट प्लस कर देते हैं अपर लिमिट में प्लस कर देते हैं क्या जीरो पॉइंट फाइव को ये बात समझ में आ गया होगा क्लियर है मैं यहाँ पे तो ऐसा क्यों कर रहे हैं ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि मुझे क्लास जो बनाना है वो कैसा बनाना है एक्सक्लूसिव क्लास बनाना है कैसा क्लास बनाना है एक्सक्लूसिव क्लास बनाना है चलो अब यहाँ से शुरू करते हैं हमारा 111 में से 111 में से 0.5 देखो लोअर लिमिट क्या है यहाँ पे 111 क्लियर है अब 111 में से 0.5 चला गया तो क्या बचेगा 110.5 यही बचेगा क्लियर है दशमलव में पाँच क्लियर है देखो 111 में से हम लोग इधर में कुछ नहीं है तो जीरो है और हमें घटाना क्या है क्या जीरो पॉइंट फाइव है ना सॉरी यहाँ पे क्या घटाना है जीरो पॉइंट ये फाइव ये ऐसे घटाना है क्लियर है तो ये यह, यहाँ पे जीरो में से फाइव तो नहीं जाएगा तो बाजू वाले से लेगा तो कितना बन गया टेन टेन में से फाइव गया तो ये फाइव हो गया और ये डेसिमल 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 और ये क्या बन ये तो वन ये ये वन था उसको दिया था तो ये जीरो बन गया अब वन वन ये क्या बन गया जीरो वन हंड्रेड टेन तो क्या आ गया वन हंड्रेड टेन पॉइंट फाइव तो ये समझ में आया कि वन हंड्रेड टेन पॉइंट फाइव कैसे आया इतनी बातें आपके में चली गई होगी क्लियर है मैं यहाँ पे इसको क्लीन कर देता हूँ कि ये कैसे आया कैसे घटता है ठीक है आपको काफ़ी अच्छे से एक एक चीज़ों को काफ़ी बारीकी से मैं बताते चल रहा हूँ बहुत अच्छे से आप देखते चलना आपसे प्रॉब्लम बनेगा पेपर में ठीक है तो 110.5 से ये जो आ, दिया हुआ डैश अब वन मैंने कहा है कि अपर लिमिट में, में से जितना भी लोअर लिमिट है उसमें से आपको 0.5 माइनस कर देना है और अपर लिमिट में क्या करना है अपर लिमिट जितना भी रहेगा उसमें 0.5 क्या कर देना है ऐड कर देना है क्या कर देना है ऐड तो क्या कर दे 120 में 0.5 ऐड कर दे तो कितना हो जाएगा 120.5 ऐड करने से यही होगा अब चलो अब अगला अब 121 में से अब देखो 121 में से 0.5 जब घटाओगे तो क्या आ जाएगा वन वो क्या आ जाएगा 120.5 ये आ जाएगा क्लियर है 121 में से 50 पैसा आप घटा दो यानी कि 50 रुपए नहीं कह रहा हूँ 50 पैसा है ना 0.5 क्लियर है घटाओगे तो क्या आ जाएगा वन हंड्रेड ट्वेंटी पॉइंट फाइव अब ये घटा दिया मैंने इस वाले लिमिट में से और इसमें अपर लिमिट है अपर लिमिट में क्या करना है मुझे ऐड कर देना है तो कितना जीरो पॉइंट फाइव ये ऐड करना है तो वन हंड्रेड थर्टी अब प्लस जीरो पॉइंट फाइव तो क्या हो जाएगा वन हंड्रेड थर्टी पॉइंट फाइव ये समझ में आया उसी तरह से क्या होगा अगला में इसमें माइनस करोगे जीरो पॉइंट फाइव तो क्या हो जाएगा वन हंड्रेड थर्टी पॉइंट फाइव क्लियर है अब वन हंड्रेड फोर्टी ये क्या हो जाएगा वन हंड्रेड फोर्टी पॉइंट फाइव अगला क्या होगा वन हंड्रेड फोर्टी वन हंड्रेड पॉइंट फाइव अगला ये वाला इसमें से घटाओगे तो फिर ये क्या हो जाएगा वन हंड्रेड फिफ्टी क्या हो जाएगा वन हंड्रेड फिफ्टी पॉइंट फाइव अगला क्या होगा वन हंड्रेड फिफ्टी पॉइंट फाइव ये हो गया उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे वन हंड्रेड Uh, ये 150 हो जाएगा इसका 150 क्योंकि इसमें से 0.5 माइनस होगा और इसमें क्या होगा प्लस तो क्या हो जाएगा 160.5 क्लियर है मैं ये लाइन को थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ ताकि तो एक ही बार मैं उड़ा दिया सबको कोई बात नहीं कर लेंगे वापस से यहाँ कर लेते हैं 100 अगला क्या होगा 160.5 160.5 से लेके कहाँ तक 160 और ये 170.5 क्या हो जाएगा 170.5 ये हमने क्या कर लिया बना लिया और इसकी जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है ठीक है मैं यहाँ पे एक लाइन खींच लेता हूँ ठीक है इसी तरह से आपको भी अपना बना लेना है राधे आगे चलो देखते चलना मैं यहाँ पे इसको कुछ यू कर देता हूँ ताकि आप लोग को सुविधा हो जाए राधे राधे बोल राधे राधे बोल झुकी झुकी नजर तेरी कमाल कर गई चलो देखो जरा ये हो गया मैंने यहाँ पे टेबल बना लिया ठीक है ये ये मैंने क्या कर लिया ये हमने इनकलूसिव क्लास को किसको ये स, ये जो क्लास दिया हुआ था ये कैसा क्लास था इनक्लूसिव क्लास को मैंने चेंज कर दिया किस में एक्सक्लूसिव में ठीक है ये चेंज करने का तरीका है क्लियर है अब चलो ये जो हमारा फ्रीक्वेंसी है उसको ज्यों का त्यों रख देते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा थ्री यहाँ पे क्या हो जाएगा फाइव सेवन नाइन फोर टू यहाँ पे क्या हो जाएगा फाइव सेवन नाइन फोर और इसमें क्या हो जाएगा टू क्लियर है अब बात आती है मिड पॉइंट या क्लास मार्क निकालने के हम लोग फटाफट से निकाल लेते हैं क्लियर है अब चलो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं तो यहाँ पे निकालेंगे इन दोनों को ये ये लोअर लिमिट हो गया और ये अपर लिमिट हो गया अब देखो ये एक्सक्लूसिव में कैसे चेंज हो गया देखो वन और यहाँ भी देखो वन ठीक है 130.5 ये इंड हो रहा है तो यहां से आरंभ हो रहा है ठीक है यहाँ समाप्त हो रहा है तो यहाँ से आरंभ हो रहा है 140.5 है ना 140.5 तो ये 140.5 फोर्टी यहाँ से शुरू हो रहा है 150.5 तो अगला क्लास में 150.5 शुरू हो रहा है क्लियर है तो आप क्या देख रहे हो वन इस तरह से देखते चलो 120.5 ट्वेंटी यहाँ भी है वन थर्टी पॉइंट यहाँ भी है दोनों जगह पे वन फोर्टी यहाँ भी है वन फिफ्टी पॉइंट फाइव यहाँ भी है वन सिक्सटी पॉइंट फाइव यहाँ भी है तो इस तरह से ये क्या हुआ ये एक्सक्लूसिव में बदल गया क्लियर है ये समझ में आ गया इसमें ऐसा नहीं था ये यह यहाँ वन ट्वेंटी था तो यहाँ वन हंड्रेड ट्वेंटी वन था है ना अगर यही वन ट्वेंटी यहाँ पर रहता तो हमें ये ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ती क्लियर है तो यहाँ पर हमने ये चीज़ सीखा चलो अब मिड पॉइंट क्यों निकाल रहे हैं हम लोग मिड पॉइंट निकाल रहे हैं ताकि हमारा क्या निकल जाए जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगोन दिया था ना फ्रीक्वेंसी पॉलीगोन आपको डायरेक्ट मेथड से बनाने के लिए तीसरा प्रॉब्लम में उसके लिए मिड पॉइंट अभी निकाल ले रहे हैं और फिर डायरेक्ट हम लोग प्रॉब्लम पे चल, जो ग्राफ है हमारा जो ये यह यहाँ पे मेरा ग्राफ है इस ग्राफ में हम लोग सॉल्व करेंगे क्लियर है है ना राइट right? चलो तो मिड पॉइंट या फिर इसी को बोलते हैं क्लास मार्क अब ये मिड पॉइंट कैसे निकलता है सर इसको बारे में बताओ इसको 110.5 यानी कि लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट को दोनों को ऐड करके टू से डिवाइड कर देते हैं तो देखो 110.5 प्लस 120.5 क्लियर है ये क्या निकालने के लिए ये मैं लगा रहा हूँ क्या निकालने के लिए मिड वैल्यू मिड वैल्यू बोलो या मिड पॉइंट बोलो या क्लास मार्क बोलो है ना इसी को क्या बोलते हैं क्लास मार्क बोलते हैं क्या बोलते हैं क्लास मार्क बोलते हैं है? है. इसी को तो ये इसको डिवाइड कर देते हैं टू से तो अब देखो जब आप 110.5 और 120.5 को ऐड करते हो तो कितना आ जाएगा 110 और 120 तो 200 और ये 20 प्लस टेन थर्टी यानी कि टू हंड्रेड थर्टी यानी कि टू हंड्रेड थर्टी वन बाई टू ऐसा आ जाएगा क्लियर है तो टू हंड्रेड थर्टी वन बाई टू को टू हंड्रेड थर्टी वन डिवाइड बाई टू जब करोगे तो ये हो जाएगा 115 क्लियर है ये कितना आ जाएगा इसका आधा हो जाएगा तो 115.5 ऐसा आ जाएगा 115.5 क्लियर है तो ये समझ में आया 115.5 ये कैसे आया उसी तरह से 120.5 अब इसका भी मिड वैल्यू मुझे निकालना है क्लियर है तो 120.5 प्लस 130.5 बाय टू अगर कर दें इन दोनों को ऐड करके टू टू से डिवाइड करना है हर बार हमें तो करो 130 और 120 को करो ऐड तो 100 100 200 और 30 प्लस ट्वेंटी फिफ्टी यानी कि 250 और ये उसमें वन ऐड करो तो 251 हंड्रेड फिफ्टी बाई टू कितना हो जाएगा 251 हंड्रेड फिफ्टी डिवाइड बाई टू इक्वल टू वन पॉइंट हमारा क्या आ रहा है 125.5 uh, 125 क्लियर है ये क्या आ रहा है 125.5 क्लियर है तो यहाँ पे क्या आया 125.5 क्लियर है अब फटाफट से मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ 130 ठीक है अब देखो ये इस तरह से आया ना तो अब डायरेक्ट आप जब क्योंकि ये टेन टेन के इंटरवल पे है देखो 140.5 में से 130 घटाओगे तो ये टेन टेन के इंटरवल पे है जितने भी जितने भी आप माइनस करके देखो क्लास साइज जितना भी है सबका दस दस के इंटरवल पे है क्लियर है तो उसी तरह से यहाँ भी दस दस के इंटरवल पर क्या होगा इसका बढ़ोतरी होता जाएगा तो एक है एक है, है तो अगला क्या होगा एक सौ पैंतीस 145 हो गया 155.5 165.5 इस तरह से ये क्या हो गया हमारा क्लास मार्क हो गया क्लियर है तो आपको ये भी ध्यान में रखें देखो प्रॉब्लम बनाने के लिए आपको क्या करना है ज़्यादा आपको वो नहीं करना है है ना प्रॉब्लम बनाने के लिए आपको क्या करना है आपको यहाँ पे जो इसका ये जो वैल्यू दे रखा है है ना टेन टेन का अगर इसमें वो है है ना क्लास मार्क सॉरी क्लास बोल रहा हूँ टेन टेन का अगर डिफरेंस है अपर लिमिट और लोअर लिमिट माइनस करोगे तो क्लास साइज आता है क्लास साइज या क्लास इंटरवल आता है तो जब आप टेन टेन का डिफरेंस है तो यहाँ पे भी क्लास क्लास मार्क या मिड पॉइंट में भी टेन टेन का आपका क्या रहेगा डिफरेंस रहेगा इतनी बातें समझ में आ गई होगी क्लियर है अब चलो अब इतना तो ये हमारे पास में ये सब ये टेबल बन के तैयार हो गया अब इसको हम लोग ग्राफ पे प्रदर्शित कर लेते हैं कहाँ पे ग्राफ पे प्रदर्शित कर लेते हैं क्लियर है अब चलो मैं यहाँ पे सबसे पहले सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है सबसे पहला प्रॉब्लम है मेक अ हिस्टोग्राम सबसे पहले आप एक हिस्टोग्राम बनाइए है ना और हिस्टोग्राम और टू डिपेक्ट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो कि आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो यहाँ पे आप बनाए हो ये जो मैं टेबल बनाया यहाँ पे इसी को आपको प्रदर्शित करना है उस पर तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमारे पास में क्या चाहिए क्लास इंटरवल चाहिए और क्या चाहिए हमारे पास में फ्रीक्वेंसी चाहिए ठीक है याद रहे हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमें क्या चाहिए क्लास इंटरवल चाहिए और क्या चाहिए हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए रहता है बस और इससे ज़्यादा कुछ नहीं अब चलो यहाँ पे चल रहा हूँ मैं आगे पेज पे तो चलो देखो ग्राफ पे बनाने के लिए मैं यहाँ पे पहला नंबर प्रॉब्लम बनाऊंगा यहाँ पे सेकंड वाला प्रॉब्लम बनाऊंगा क्लियर है जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगोन बोला था क्लियर है यहाँ पे हिस्टोग्राम ठीक है मैं हिस्टोग्राम प्लॉट करूंगा तो देखो एक एक, एक, एक तरफ एक एक्सिस ले लेना है और एक तरफ वाई एक्सिस ले लेना है इस तरह से क्लियर है और जो एक छोटा सा ऐसा स्क्वायर बॉक्स दिख रहा है ना ये इस टाइप से मैं ऐसे बना देता हूँ ऐसा जो दिख रहा है ना ये स्क्वायर बॉक्स यहाँ भी आप लोग को दिख रहा होगा ऐसे ठीक है ये एक सेंटीमीटर यानी कि एक स्क्वायर बॉक्स जो है ये इसी को वन सेंटीमीटर बोलते हैं ये एक स्क्वायर बॉक्स क्या शो कर रहा है ये शो कर रहा है हमारा किस चीज़ को इसका जो इधर की तरफ जाने वाले हैं तो ये नंबर ऑफ़ लिप्स सॉरी नंबर ऑफ़ लिप्स बोल रहा हूँ हाँ ये शो करेगा लेंथ ऑफ लिप्स ठीक है ये लेंथ ऑफ लिप्स को शो करेगा इधर में नीचे की तरफ एक्स सेक्सेस में और ये ये जो शो करता है ये किसको शो करता है फ्रीक्वेंसी को शो करता है किसको शो करता है फ्रीक्वेंसी को शो करता है क्लियर है तो मैं एक काम करता हूँ मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ और आगे बढ़ता हूँ एकदम बहुत बारीकी से देखना ध्यान से देखना क्लियर है तो यहाँ ताकि आपका एग्ज़ाम में एक भी मार्क्स आपका छूटना नहीं चाहिए क्लियर है चलो यहाँ पर चल रहा हूँ चलो अब मैं पहले मार्किंग कर लेता हूँ ये हमारे पास में है यहाँ मैंने मार्किंग कर दिया ऐसे यू तो इस तरह से आप लोग को क्या करना है मार्किंग कर लेना है और ये यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये जो एक एक जो गैप दे रहा हूँ वो कितने का टेन टेन का गैप ये जो छोटा छोटा जो बॉक्स दिख रहा है ना ये एक स्क्वायर बॉक्स के अंदर में भी छोटा 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 छोटा, -छोटा टेन बॉक्सेज हैं ओके ठीक है वो अभी बताता हूँ मैं आपको बहुत ध्यान से देखना ठीक है यहाँ पे हम लोग आते हैं यहाँ पे क्या दे रखा है यहाँ पे याद रहे यहाँ पे रहता है हमेशा जीरो यहाँ पे क्या रहता है जीरो रहता है क्लियर है और देखो ऊपर में इधर साइड में हमें फ्रीक्वेंसी दिखाना है तो हम लोग भी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ठीक है इस तरह से हमने फ्रीक्वेंसी दिखा दिया इधर में ऊपर में तो मैं ऊपर में लिख भी देता हूँ कि ये क्या है आपका ये आपका हो गया क्या फ्रीक्वेंसी, ये क्या हो गया आपका फ्रीक्वेंसी, ठीक है चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर में यहाँ पे कहीं पे लिख देता हूँ ठीक है एफ एफ आर ई क्यू यू ई एन सी वाई ये फ्रीक्वेंसी हो गई क्लियर है और इधर में हमारा क्या है इधर में ये हमारा क्या हो गया ये नीचे में ठीक है सॉरी ये नीचे में हमारा क्या हो गया ये नीचे में जो है हमारा ये क्या है फ्रीक्वेंसी हो गया और नीचे में हमारा क्या हो गया लेंथ है ना? लेंथ ऑफ लिप्स ठीक है लेंथ ऑफ लिप्स ठीक है ये लिप्स का लेंथ है इधर में क्लियर है चलो अब यहाँ से चलते हैं हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं क्लियर है अब चलो हम लोग जब भी बनाएंगे तो हमेशा याद रखना कि ये जो पहला जो रहेगा ना इसको थोड़ा सा हम लोग को छोड़ देना है इसको क्या करना है ये जो पहला वाले को छोड़ना है मैं आगे बताऊंगा कि इस आखिर क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ आप यहाँ से लेके चलना कहाँ से यहाँ से अब जो जो आपने यहाँ पे ग्राफ में ऊपर में बताया है कहाँ से 110 से कहाँ से 110 से स्टार्ट करना कहाँ से 110.5 से ठीक है तो इसका नाम आप रखना क्या 110 किसका इसका नाम 100 तो 110.5 और इसका नाम आप क्या रखेंगे आ, थोड़ा सा ये मैं अगर ऐसे हो जाएगा तो अच्छा रहेगा ऐसे ऐसे लिखते चलूँगा तो ठीक है मैं इसको क्लीन कर देता हूँ कोशिश करता हूँ करने के लिए आप लोग के लिए ठीक है ये तो अलग ही हो जा रहा है पूरा मिट गया लाइन वो फिर से वो लाइन बनाना पड़ेगा मुझे देखो ज़रा यू हमारा एक्सेस में ये चलेगा ठीक है आप ये सब काम को पेंसिल से करने वाले हैं ठीक है यहाँ पे हम लोग टेन पॉइंट फाइव डालें ठीक है वन हंड्रेड टेन पॉइंट फाइव या यहाँ पे मैं इसको इरेज कर रहा हूँ ठीक है तो यहाँ पे लिख दिया आप तो ग्राफ को चे, वो कर सकते हैं यहाँ पे वन वन जीरो पॉइंट यू करके डाल सकते हैं वन हंड्रेड टेन पॉइंट फाइव और यहाँ पे क्या डालेंगे क्योंकि टेन टेन के इंटरवल पे आपको रखना है तो यहाँ पे क्या डालने वाले हैं वन हंड्रेड देखो अगला क्या है हमारा हमारे पास में वन हंड्रेड ट्वेंटी अगला क्या है वन हंड्रेड ये वन हंड्रेड ट्वेंटी पॉइंट फाइव है ना वन हंड्रेड ट्वेंटी वन हंड्रेड थर्टी वन हंड्रेड फोर्टी वन हंड्रेड फिफ्टी वन हंड्रेड सिक्सटी और लास्ट कहाँ तक जाना है वन हंड्रेड सेवेंटी पॉइंट फाइव ठीक है तो फटाफट से हम लोग डाल लेते हैं तो वन हंड्रेड टेन हो गया और ये हो गया वन हंड्रेड वन हंड्रेड ट्वेंटी पॉइंट फाइव क्लियर है थोड़ा सा इधर उधर होगा कंसिडर करना है इसको ठीक है कोशिश कर रहा हूँ वन हंड्रेड वन हंड्रेड थर्टी पॉइंट फाइव और ये हो जाएगा वन हंड्रेड फोर्टी पॉइंट फाइव और ये हो जाएगा वन हंड्रेड फिफ्टी पॉइंट फाइव और ये हो जाएगा वन हंड्रेड सिक्सटी पॉइंट फाइव और यह हो जाएगा वन हंड्रेड सेवेंटी पॉइंट फाइव ये हो जाएगा वन हंड्रेड एट्टी पॉइंट फाइव 190.5 क्लियर है आप लोग तो सीधा सीधा लिख सकते हैं है ना तो आप लोग वैसे कर लेना ठीक है ये हो गया अब चलो अब ध्यान से समझना यहाँ पे इधर में क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे हम लोग देंगे पत्तियों की संख्या क्योंकि ये पत्तियाँ हमारे पास में ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और ये रहा टेन क्लियर है ये पतियों की संख्या हो गई अब चलो अब ध्यान से समझना ज़रा <coughs> ध्यान से समझना वहाँ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 110.5 ठीक है क्या लिखा हुआ है 110.5 और इसके इसकी इसका जो फ्रीक्वेंसी है हम लोग कहाँ लेके जाएंगे थ्री पे कहाँ फ्रिक्वेंसी है थ्री तक तो उसका हाइट क्योंकि हिस्टोग्राम का हाइट से डिपेंड करता है रेक्टेंगल बनता है तो 110 से 120 तक का हाइट कितना थ्री तक ये देखो ये रहा थ्री ये यहाँ पे क्लियर है यहाँ पे रहा थ्री अब यू यहाँ से ये ऊपर की तरफ यू जाएगा ये लाइन पकड़ते हुए है ना मैं तो फ्री हैंड कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास में ऐसा कोई स्केल रखने वाला साधन नहीं है ये हो गया हमारा ठीक है इस लाइन को ऐसे टच करते हुए हमारा ये आ गया क्लियर है ये ठीक है आप एक बार में बनाने का प्रयास करोगे मेरा थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है क्योंकि थोड़ा सा ये डिजिटल पेन चलाने में थोड़ा सा दिक्कत है चलो तो 110 से 120 तक हाइट हमारा कितना दिया था प्रॉब्लम में देखो 110.5 से 120.5 से हाइट कितना दिया था थ्री तक दिया था तो हमने ले गया थ्री तक ओके अब चलो 120 से 130 तक हमारा हाइट कितना दिया हुआ है तो 120 से 130 तक हाइट हमारा क्या दिया हुआ है फ़ाइव तो हम लोग यहाँ पे कहाँ तक लेके जाने वाले हैं फ़ाइव तो 120 से कहाँ तक फाइव ये रहा हमारा फाइव क्लियर है तो ये यू ऐसे जाएगा ठीक है यू ऐसे गया और यू ऐसे होके फिर ये वापस नीचे की तरफ वन पे यू आ जाएगा क्लियर है ये हो गया ये समझ में आ गया आपको ठीक है अब चलो अब अब 130 से 140.5 130 से 140 देखो 130 से 140 फोर्टी कहां जाएगा सेवन पे कहाँ पे 7 पे जाएगा कहां जाएगा सेवन पे तो 130 से 140 फोर्टी सेवन हाइट कितना सेवन फ्रीक्वेंसी ही हमें बता देता है कि कहां तक जाना है उसके हाइट को तो ये लेके गए सेवन पे यू हमने मोड़ लिया और वापस से इसको कहा वन हंड्रेड कहां पे वन पे लेके आना है कहां पे 140 पे ये हो गया ठीक है अब उसी तरह से 140 से 150 देख लो जरा 140 से यहाँ देखो 140 से 150 कितना 9 पे 9 तक लेके जाना है फ्रीक्वेंसी को ठीक है तो 140 से 150 फिफ्टी कहाँ तक ले जाना है 9 एट नाइन नाइन यहाँ पर है ना ठीक है तो ये हम लोग यहाँ से ले जाते हैं यूँ ऐसे ये लेके गए ऐसे मोड़ लेना है और यहाँ से डायरेक्ट हमें क्या करना है नीचे की ओर लेके आना है यू ठीक है यूँ नीचे की ओर हमें लेके आना है यह आ गया अब चलो 150 से 160 कितना हाइट दे रखा है देखो ज़रा 150 से 160 कितना हाइट दे रखा है 150 से 160 सिक्सटी फ़ोर दे रखा है तो हम लोग कहाँ चलने वाले हैं फ़ोर पे 150 से 160 सिक्सटी कहाँ फोर पे तो ये रहा हमारे पास में फ़ोर तो यहाँ से यूँ ऐसे आ जाएगा और ये रहा हमारे पास में क्या फ़ोर यह रहा वन से वन फोर पे यह आ गया अब चलो और क्या दे रखा है 160 से 170 160 से 170 क्या दे रखा है 2. तो हमारा कहाँ जाएगा 2 पे जाएगा 160 से 170 सेवेंटी कहाँ टू तो ये रहा 2, हमारा ये 2. तो ये देखो यहाँ से यूँ कुछ यूँ ऐसे जाके और ये ऐसे हो जाएगा तो देखो जब आप ये सब चीज़ अपने इस्केल रख के और ऐसे पेंसिल से जब आप खींचोगे ना तो बिल्कुल सीधा सीधा बढ़िया बनेगा है ना ठीक है तो मैं कोशिश किया हूँ कि ग्राफ पे कैसे आप किस तरह से बनाओगे तो वो चीज़ दिखाने के लिए ठीक है अब चलो अब ये ये क्यों छोड़वाया था वो भी मैं बता देता हूँ सबसे पहले तो ये आपको समझ में आ गया कि ये आपका ये बन गया आपका क्या हिस्टोग्राम ये क्या बन गया आपको हिस्टोग्राम पहला प्रॉब्लम यही कह रहा था ना कि आप मुझे एक हिस्टोग्राम बना के बताओ देखो कह रहा है कि मे का हिस्टोग्राम हिस्टोग्राम बनाओ जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपका आएगा उसका दूसरा प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाओ क्या बनाओ पॉलीगॉन बनाओ वो भी कौन से मेथड से डायरेक्ट मेथड से ठीक है तो फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन भी हम लोग बना लेंगे तो ये पहले आपने क्या देखा हिस्टोग्राम आपने देखा ठीक है तो ये हिस्टोग्राम हमारा बन गया ठीक है अब स्केल यहाँ पे अब जो जो इससे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उसको लिख लेते हैं ग्राफ में क्या क्या स्केल हमने यूज किया ठीक है तो एक्स एक्सिस में हमने क्या माना है तो एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस में हमने वन सेंटीमीटर यानी कि एक जो छोटा सा स्क्वायर बॉक्स था उसको वन सेंटीमीटर बोलो तो वन सेंटीमीटर इक्वल टू हम लोग एक्स एक्सिस में क्या दिखाने की कोशिश किए हैं क्लियर है हमने दिखाया है क्या टेन यहाँ पे टेन क्या लिप्स कितना लिप्स टेन लिप्स टेन लिप्स ठीक है ओके लेंथ ऑफ लिप्स यानी कि टेन एम mm को टेन क्योंकि लिप्स किस में है एम mm में टेन एम mm, है ना लेंथ टेन एम एम टेन एम एम का जो पत्तियां हैं उसको और वाई एक्सिस में वाई वाई एक्सिस में हमने किसको दिखाने का प्रयास किया है वाई एक्सिस में हमने दिखाने का प्रयास किया है नंबर ऑफ लिप्स को ठीक है यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं वन सेंटीमीटर इक्वल टू हम लोगों ने प्रयास किया है वन है ना वन सेंटीमीटर यानी कि वन आपका क्या वन ये लिप्स है ना नीचे में लंबाई और एक्स एक्सिस में लंबाई को दिखाया है है ना और वाई एक्सिस में हमने क्या दिखाया है एक पत्ती को दिखाया है ना एक सेंटीमीटर बराबर ये यहाँ से यहाँ तक यानी कि एक पत्ती ऐसे वन लिप्स ये स्केल हमने लिख लिया उसके बाद अब हमें क्या करना है ये जो हिस्टोग्राम बना है तो इसको लिख देना है हमें यू ऐसे करके ये ऐसे सॉलिड ऐसा एक लाइन ऐसे खींच देना है और इसको लिख देना है क्या हिस्टोग्राम क्या लिख देना है हिस्टोग्राम पता चलना चाहिए कि बच्चे ने हिस्टोग्राम बना दिया ठीक है हिस्टोग्राम ठीक है ये है आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा अब उसी तरह से अब हम लोग को क्या करना है यहाँ पे डायरेक्ट मेथड से हम लोग को बनाना है अब देखो अब ध्यान से समझो जीरो से डायरेक्ट 110.5 पे हम लोग आ गए नहीं तो एक काम करते हैं इसके लिए इसके लिए एक काम करते हैं क्या काम करते हैं हम लोग कि जो जो ये ग्राफ मेरा रहता है तो जीरो जीरो से डायरेक्ट 110.5 दिखा रहे हैं तो एक काम करते हैं इसको थोड़ा सा हम लोग कुछ ग्राफ को ऐसे शो कर देते हैं यू ऐसे क्या है कि ऐसे शो करने का मतलब होता है कि ये बिल्कुल मतलब बहुत दूर तक कोई ग्राफ है दूर तक कोई ग्राफ है है ना चौड़ा चौड़े में फैले हुए हैं तो ये क्या हो गया ये बिल्कुल इसके पास में है ठीक है ऐसा हम लोग शो करते हैं ठीक है ठीके? तो चलो अब यहाँ पे आ जाते हैं इस वाले में ठीक है इस वाले में आ जाते हैं और यहाँ पे भी हम लोग क्या बनाते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ये किसका बनाने जा रहे हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का ठीक है चलो ठीक है फ्रीक्वेंसी पॉलीवन बना लेने जा रहे हैं फिर से वही काम करते हैं फटाफट से ठीक है यहाँ पे हम लोग इसको छोड़ देते हैं और या इसको ये लाइन को ठीक है यहाँ पे मैं एक वो कर दे रहा हूँ मार्किंग ठीक है फटाफट से देखो टाइम लगता है मैं सिखाने बैठा हूँ ना इसलिए टाइम लग रहा है ठीक है क्लियर है नहीं तो ऐसे टाइम नहीं लगता चलो इसको क्या बोलोगे आप ये क्या है वन हंड्रेड टेन पॉइंट क्या फाइव और ये क्या है वन हंड्रेड ट्वेंटी पॉइंट पॉइंट फाइव ठीक है और ये क्या है आपका थोड़ा सा ये इधर उधर हो रहा है मैं क्लीन कर लेता हूँ अच्छे से राधे राधे, राधे बोल चलो वन हंड्रेड आप लोग सोचते होंगे कि सर बीच बीच में गाना भी गा देते हैं क्या करें चलो वन हंड्रेड और ये थर्टी पॉइंट ये रहा फाइव और ये रहा वन हंड्रेड फोर्टी पॉइंट थोड़ा सा धुंधला दिखे तो थोड़ा सा क्या करना है वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना है वन हंड्रेड फोर्टी हो गया वन हंड्रेड और ये रहा फिफ्टी पॉइंट फाइव ठीक है और ये रहा 100 हंड्रेड वन हंड्रेड सिक्सटी पॉइंट फाइव ठीक है कंसिडर कर लेना ठीक है आगे ये रहा वन हंड्रेड पॉइंट में फाइव ठीक है और उसी तरह से ये रहा 180 हंड्रेड एट्टी पॉइंट फाइव क्लियर है इस तरह से हमने क्या किया यहाँ नीचे में फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे लेंथ ऑफ लेप्स है ना लेंथ ऑफ लेप्स इन एम एम यहाँ भी लिख देता हूँ इन एम mm, एम ठीक है और ये जो है ये कहाँ चला जाएगा ये है आपकी फ्रीक्वेंसी ये क्या है आपकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपका फ्रीक्वेंसी क्या लिख दे रहा हूँ यहाँ पे इधर गई गया गया। हाँ इधर लिख दे रहा हूँ आपका फ्रीक्वेंसी क्या एफ आर ई -E क्यू यू ई -E एन सी वाई फ्रीक्वेंसी ठीक है चलो अब यू मैं निशान लगा ले रहा हूँ फटाफट से आप लोग भी जब आप ग्राफ में बनाओगे तो ये बिल्कुल सटीक दिखेगा है ना और आपको मज़ा आ जाएगा यहाँ पे मैं डाल देता हूँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और ये रहा टेन ठीक है चलो आगे चलते हैं ध्यान से देखो मैंने क्या बनाया था डायरेक्ट मेथड से ये कौन से डायरेक्ट मेथड से हमें क्या करना है क्या बनाना है पॉलीगॉन बनाना है डायरेक्ट मेथड से हमें क्या बनाना है पॉलीगॉन बनाना है देखो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है ठीक है एक मिनट फ्रीक्वेंसी पॉलीगोन बनाना है यूजिंग द डायरेक्ट मेथड डायरेक्ट मेथड यूज करके हमें क्या करना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगोन बनाना है तो देखो डायरेक्ट मेथड में करने के लिए हमने इसीलिए ये मिड पॉइंट लिया है क्लियर है देखो हमारा हिस्टोग्राम बनाने के लिए ये और ये फ्रीक्वेंसी यही दो चीज़ काफ़ी था ठीक है लेकिन अब मुझे क्या करना है कि मुझे मिड ये हमें पॉलीगॉन बनाना है तो अब हमें ऐसे चलना पड़ेगा 115.5 यानी कि जो हमारा ये जो क्लास मार्क आया है ये बिल्कुल उसका सेंटर को लेकर ले के और इसके हाइट को थ्री तक लेके जाना पड़ेगा क्लियर है जो हमारा ये जो इन दोनों का यानी कि एक क्लास साइज़ का जो हमारा मार्क क्लास मार्क आया है मिड पॉइंट आया है बीचों बीच वाला इसको हमको कंसिडर करके और इसके हाइट तक लेके जाना है फ्रीक्वेंसी की ये हाइट तक ठीक है चलो तो 115 ठीक है तो ये 110.5 दिखा रहा है अच्छा हमें यहाँ इस वाले में हमें क्या मेंशन देखो 110 और 120 के बीच में 115 आएगा 110 और 120 में क्या आएगा 15 आएगा यहाँ पे कहीं ना कहीं होगा वो पॉइंट क्लियर है देखते चलना वो पॉइंट कहाँ होगा यहाँ होगा अब इसी से ठीक ऊपर ऊपर आपको कहाँ तक जाना है थ्री तक ये रहा क्लियर है देखो 110 और 120 के बीच में क्या होगा पाँच होगा सॉरी वन होगा क्योंकि यहाँ से इधर तक चलेंगे तो 110 के बाद 111, 112, 113, 114, 115 बारह क्लियर है तो यहाँ से बिल्कुल यूं ऊपर जाते 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 आपको कहाँ आना है क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमारा कितना दे रखा था थ्री तक क्लियर है तो ये हमारा रहा और ये हमने क्या किया यहाँ थ्री पे हमने एक ऐसा निशान बना लिया क्लियर है यहाँ पे एक निशान बना लिया क्लियर है ये बन गया ये पहला आ गया ठीक है उसी तरह से 120 और 130.5 ठीक है 120 और 130.5 पे हमारा क्या है देखो वन हमारा क्लास मार्क क्या है 125 क्लियर है ठीक और इसको कहाँ तक लेके जाना है फाइव तक क्या फाइव तक हाइट देना है ठीक है चलो कर लेते हैं कहाँ तक देखो 120 से 130 के बीच में 125 आएगा बिल्कुल बीचों बीच तो देखो ये बीचों बीच एक लाइन दिख रहा है ये है ना थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी बढ़ाना और कहाँ तक इसको हाइट को लेके जाना है फाइव तक कहाँ तक लेके जाना है फाइव तक लेके जाना है सॉरी <coughs> देखो 120 से 130 के बीच में क्या आएगा 120 125 आएगा और इस ये 125 ट्वेंटी फाइव यहाँ होगा और इसी से ठीक आपको क्या करना है ऊपर ऊपर यूँ ले जाना है और कहाँ तक फाइव तक ये रहा फाइव फाइव के बिल्कुल यहाँ पे और 125 के बिल्कुल यहाँ पे 120 से 130 पॉइंट फाइव के उसी तरह से वन थर्टी और वन फोर्टी के बीच में क्या आएगा वन थर्टी और वन फोर्टी के बीच में आपका वन थर्टी फाइव आएगा क्योंकि वन थर्टी फाइव और यही इसी बीच में चलना है तो पहले देख लेते हैं हाइट कितना देना है तो हाइट हमें देना है इस बार क्या सेवन हाइट कितना देना है सेवन तो देखो सेवन नाइन फोर टू मैं लिख लेता हूँ और हर बार वन थर्टी फाइव वन फोर्टी फाइव वन फिफ्टी फाइव वन सिक्सटी फाइव ये तो याद रहेगा सेवन नाइन फोर टू याद रहे सेवन नाइन फोर टू हमें क्या करना है लेके जाना है ठीक है सेवन नाइन फोर टू एक बार फिर से देख लेता हूँ हाइट कितना देना है सेवन नाइन फोर टू ठीक है चलो देखते चलना वन थर्टी से वन फोर्टी के बीच में क्या आएगा वन थर्टी फाइव ठीक है वन थर्टी फाइव तो उधर में हमारा मिड पॉइंट आया है अब वन थर्टी फाइव हम लोग यहाँ से पकड़ते हैं और कहाँ तक लेके जाना है ये सेवन तक कहाँ तक ये दे रखा है हमारा सेवन ये क्या क्या दे रखा है सेवन दे रखा है हमारा चलो तो लेके चलते हैं हम लोग वन थर्टी फाइव कहाँ तक जाना है हम लोग को सेवन तक तो ये रहा हमारा सेवन देखो ये सेवन तक आ गए और ये रहा यहाँ पे उसी तरह से ये ये तो हो गया ख़त्म अब वन ओ, ये ये हो गया वन फोर्टी से वन फिफ्टी वन फोर्टी से वन फिफ्टी वन फोटी फ़ाइव आएगा हमारे पास में वन फोर्टी फाइव तो था ही यहाँ पे देखो वन फोर्टी फाइव तो है क्लियर है अगला वन है वन है तो उसी तरह से हम लोग चल लेते हैं कर लेते हैं फटाफट तो वन फोर्टी इसका बिल्कुल बीचों बीच यूँ जाएगा बस हाइट देख लो कहाँ तक जाना है नाइन तक यूँ बीचों बीच जाएगा और कहाँ तक जाएगा नाइन तक तो ये रहा इसका ये ठीक है अगला कहाँ तक फोर तक जाएगा अगला हाइट कहाँ तक फोर तक जाएगा और किसका इसमें तो कर लिए और इसमें 150 से 160 के बीच में इसका हाइट कहाँ जाएगा फोर तक ये रहा ये रहा फोर यहाँ आएगा क्लियर है ये आ गया फोर तक अब चलो 160 सिक्सटी से वन सेवेंटी वन सिक्सटी से वन सेवेंटी कहाँ जाएगा टू तक तो ये रहा हमारे पास में टू क्लियर है ये यहाँ रहा टू तो क्लियर है ये इससे यहाँ बिल्कुल बीचों बीच ठीक है तो ये हमारे पास में अब मैं इसका क्या बना देता हूँ इसका क्या बना देता हूँ अब जितने भी इसके लाइन आए हैं उन सभी लाइन को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ ठीक है तो आप इसको स्केल से या डॉट स्केल से आप चाहो तो डार्क लाइन खींच सकते हो या आप चाहो तो डैश 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 करके मिला सकते हो ठीक है तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे डैश यू करते हुए मैं मिलाते हुए चला जाता हूँ ठीक है डैश 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 मिल गया ये पॉइंट पे फिर अगला डैश 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 ये मिल गया अगेन डैश 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 ये डायरेक्ट मेथड है फिर अब यहाँ से अब आपको इस पॉइंट को टच करना है तो इसको क्या करेंगे डैश डैश कुछ इस तरह से नीचे लाते हुए डैश 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 ठीक है अब इससे इस पर ठीक है डैश 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 ठीक है अब देखो जब भी पॉलीगोन हमारा बनता है तो पॉलीगोन हमारा कैसा रहता है पॉलीगोन क्लोज कर्व रहता है कैसे रहता है बंद आकृति के अंदर में रहता है क्लियर है ठीक है तो अब ये जो पॉइंट है ना अब ये पॉइंट इधर अब नीचे में आएगा ये जो हमारा ये यहाँ पे कुछ नहीं है तो जीरो है क्लियर है याद रहे ये पॉइंट अब कहाँ आएगा ये जो एक्स एक्सिस है इसको टच करेगा और इधर से भी इसको टच करेगा याद रहे ठीक है तो ये जो पॉइंट है अब कहाँ आएगा अब ये जो है ये पॉइंट हम लोग को वन और वन के बीच में आएगा क्यों क्योंकि अब यहाँ के बाद अब वन क्योंकि आपने यहाँ वन और वन के बीच का तो बना लिया और ये जो पॉइंट है अब कहाँ आएगा 170 और 180 के यहाँ पे बिल्कुल यहां पे आके वो पॉइंट आएगा क्लियर है ठीक है यहां पे आएगा क्लियर है अब उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे डैश 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 मिला दिया ठीक है अब ये कहाँ आएगा 110 है ना देखो 110 है 110.5 तो ये पॉइंट कहाँ आएगा ये 110 और ये जो है हमारे पास में यहाँ पे जो तो ये कितना है हमारे पास में ठीक है तो देखो ये 100 अगर मैं 100 100 ठीक है हंड्रेड वन हंड्रेड टेन है ना तो 110 हंड्रेड टेन माइन सॉरी वन हंड्रेड टेन पॉइंट फाइव माइनस माइनस हंड्रेड पॉइंट फाइव ठीक है तो ये कितना है हमारा ये हमारा है हंड्रेड पॉइंट फाइव कितना है ये हंड्रेड पॉइंट फाइव क्लियर है क्योंकि जब वन हंड्रेड टेन पॉइंट फाइव में से हंड्रेड पॉइंट फाइव आप घटाओगे तो क्या आ जाएगा टेन का इंटरवल आ जाएगा तो ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये हमारा कितना है ये है हमारा हंड्रेड पॉइंट फाइव ठीक है हंड्रेड पॉइंट फाइव तो अब ये जो है ना ये डायरेक्ट अब किधर आएगा इन दोनों के बीच में ठीक है 100 और 105 के बीच में क्लियर है तो इसका मिड पॉइंट कहाँ है यहाँ है इन दोनों का मिड पॉइंट कहाँ है यहाँ है ये यह रहा क्लियर है आप क्या करोगे आप यूँ ऐसे आते आते इससे मिल जाओगे क्लियर है तो मैं अभी फ्री हैंड इसको ऐसे मिलाया हूँ आप अच्छे से मिलाओगे क्लियर है और मैं एक बार जितना भी सॉरी एक बार इसका जितना भी वो है मैं उसको क्लीन कर बता देता हूँ ये पॉइंट हमारे पास था 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 ठीक है ये पॉइंट आप इतना वो नहीं करोगे क्योंकि एक बस मात्र दिखता है वहाँ पे ठीक है तो ये सब पॉइंट हमारा क्या था ये सब पॉइंट हमारा क्या था ये मिला था क्लियर है तो ये पॉलीगॉन ये क्या खींचने के लिए किए हैं हम लोग पॉलीगोन को खींचने के लिए तो आप चाहो तो किसी भी जो पॉइंट है उसका एड्रेस दे सकते हो तो याद याद रखो एक्स एक्सिस में जिसका आपने वो किया है वो तो 140.5 से 150.5 के बीच में क्या आता है वो तो और जो इसका ये वाला था ये पॉइंट जैसे मान लो कि इस पॉइंट का हमें एड्रेस लिखना है तो इसको कैसे लिख सकते हो आप तो 140.5 से 155 पॉइंट का क्या आया था हमारा मिड वे मिड पॉइंट है ना 140 से 150 के बीच में क्या वन फोर्टी यही आया था तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या 140 से 150 के बीच में क्या आया था 140 फोर्टी यहाँ पर वन फोर्टी ये आया था इसका सेंटर और ये हाइट कितना गया था ये कॉमा दे करके नाइन तो याद रहे सबसे इधर वाला जो लिखते हैं एक्स को और इधर वाला जो लिखते हैं ये किसके लिए रहता है वाई के लिए रहता है तो उसी तरह से आप चाहो तो जितना भी ये पॉइंट है ये सभी पॉइंट का आप एड्रेस लिख सकते हैं तो ये डायरेक्ट मेथड था कौन सा ये आपका डायरेक्ट मेथड था ये कौन सा मेथड था आपका ये डायरेक्ट मेथड था क्या चीज करने के लिए आपको यहाँ पे बनाने के लिए क्या था डायरेक्ट देखो मैं ग्राफ पे बता रहा हूँ इसलिए मुझे टाइम लग रहा है है ना तो ये आपका क्या था ये फ्रीक्वेंसी क्या है फ्री ई एन सी वाई फ्रीक्वेंसी है ना पॉलीगॉन पॉलीगॉन बनाना था जो कि डायरेक्ट मेथड था ठीक है जो कि डायरेक्ट मेथड था ठीक है क्लियर है अब आपने स्केल जो भी आप यहाँ पे चाहो वो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है उस वही स्केल आप यहाँ पे लिख सकते हैं और एक बार फिर से मैं बता देता हूँ आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो डॉट डॉट हमने किया है क्लियर है जो डॉट डॉट हमने किया है ये क्या है हमारा ये जो मैंने ऐसे डैश 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 किया है ये हमारा क्या है ये हमारा फ्रीकुंसी <coughs> पॉलीगॉन है ठीक है क्लियर है इसको हम लोग क्या बोलेंगे फ्री क्यू यू ई एन सी वाई फ्रीकुंसी पॉलीगॉन ठीक है ये हो गया और इसका नाम आप दे सकते हैं जैसे मान लो कि मैंने नाम दे दिया ए इसका नाम दे दिया बी सी डी ई एफ जी और ये रहा एच क्लियर है तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे ऑप्टेंड क्या ऑप्टेंड 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 पॉलीगॉन है ना ऑप्टन पोलिकॉन हमारे पास अब आप क्या आप कौन सा पॉलिकॉन मिला आपको तो ए बी सी डी ई एफ जी एच और फिर से ए ठीक है ए बी सी डी ई एफ जी एच और फिर से ए क्योंकि ये बंद हो गया अब इसमें कितने साइड हो गए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और ये पूरा यहाँ से यहाँ एट टोटल कितने एट साइड का हमें क्या मिल गया पॉलीकॉन मिल गया तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं इसको बनाते हैं तो ये मेरा तरीका था पढ़ाने का मेरे प्यारे प्यारे टमाटर आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए मेरे प्यार प्यारे स्टूडेंट हमें एक थम्सअप चाहिए गुरु दक्षिणा के रूप में आप कुछ नहीं करो थम्सअप करो और वीडियो को प्रमोट कर दो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो कि देखो ये एक्चुअल कॉन्सेप्ट है ग्राफ पेपर पे कैसे कोई चीज़ को आपको बनाना है वो चीज़ मैंने यहाँ पर आपके सामने में रख दिया है काफ़ी समय लगा करके काफ़ी टाइम मेरा इसमें कंज्यूम होता है इस तरह को सोचने में कि कैसे मैं बच्चों को समझा पाऊँगा तो बस आपसे गुरुदक्षिणा के रूप में कुछ नहीं चाहिए बस आप थम्सअप करिए ओके okay, आप क्या करो थम्सअप करो लाइक like करो दोस्तों के साथ शेयर हो करो और एक टीचर वर्ग के हो तो जरूर एक विद्यार्थी को भेज दो कि देखो यहाँ से कॉन्सेप्ट पढ़ लो एक बार में तो नहीं समझ में आता है तो कम से कम दो तीन बार जरूर, जरूर जा कर के वीडियो देखो और हाँ पार्ट वन से ज़रूर देखना है ना पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री ऐसे चलते रहोगे ना तब मज़ा आएगा क्लास में तो मिलेंगे अगले ने नेक्स्ट वीडियो में टेक केयर और अपना ख्याल रखो अपने माता पिता का कहना मानो राइट तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में अपना ध्यान रखें अपने अपना भी स्वास्थ्य का ध्यान रखें थैंक यू थैंक यू वेरी मच